ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग कल की क्लास में जहां पर थे, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस का मतलब अंदर से ये हॉलो है, बंद है, जैसे घड़ा हुआ, स्फेयर हुआ, तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। ये फ्लक्स का डेफिनेशन है। एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है कि अंदर में जो चार्ज है वो लेना है। ठीक है, क्यों अंदर का चार्ज लेते हैं? देखो, जैसे अगर ये क्यू है तो फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है। तो ये इस क्यू से देखो, अगर आप चाहो तो बहुत सारा इस तरह से लाइन दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। ये सारी लाइंस क्या हो रही हैं, इस क्लोज्ड सरफेस को क्रॉस करके निकल रही है कि नहीं। ठीक है, यही तो फ्लक्स बता रहा है। तो ये आपका ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। तो अगर यहाँ आपने चार्ज रखा तो देखो, इस चार्ज से जितनी भी लाइन निकलेंगी वो सब इस क्लोज्ड सरफेस को क्रॉस करेंगी कि नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो वो फ्लक्स निकालने का गॉस ने क्या फॉर्मूला दिया, क्यू इन क्लोज्ड बाय इप्सिलॉन। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे क्या क्या है जो ध्यान रखना है, और उसको साथ में एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे आपको न्यूमेरिकल तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है जेई मेन या नीट वगैरह में। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, व्हाट इज जीएस, ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसी को गॉसियन सरफेस कहा जाता है, गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई सचमुच का सरफेस नहीं है ना, ये हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। तो चूंकि गॉस लॉ नाम है तो गॉस के ही सम्मान में इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस आउटसाइड दी सरफेस। आउटसाइड जो सरफेस के चार्ज होता है उसके उससे इंडिपेंडेंट होता है फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेज आउटसाइड दी सरफेस। क्यों होता है? मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और आप कोई चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर जो कि बाहर है। तो जब हम फ्लक्स लिखते हैं तो क्यू इनक्लोज लिखते हैं, ये बाहर वाला क्यू नहीं लेते हैं। उसका लॉजिक ये है कि अगर इसका आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, और चाहो तो ऐसा थोड़े कि सिर्फ सब इसी से पास होगा, इधर भी दिखा सकते हैं ऐसे, इधर भी पीछे भी होगा। अब इसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में देखो, कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो इस सरफेस से इनको मतलब ही नहीं है, ये बाहर बाहर चली गई। लेकिन ये जो कुछ लाइन्स है, जो तीन लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं, ध्यान से देखो, यहाँ वो इन हो रही है और उसके बाद यहाँ से आउट हो जा रही है। ये भी लाइन यहाँ से इन हो रही है, थोड़े दूर तक लाइन अंदर ट्रेवल की और फिर यहाँ से आउट हो गई है, ये भी इन होके आउट हो गई है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये पिंक वाली लाइन्स देखो, ये सिर्फ आउट हो रही है, ये सिर्फ बाहर जा रही है। ठीक है ना, कोई लाइन अगर इन होकर के बाहर आउट हो जाए तो उसको फ्लक्स के कैलकुलेशन में हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आउट गोइंग जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स बाहर जा रहा है, लाइन्स बाहर जा रही है, आउट गोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं जबकि इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, ये इसी में लिख देते हैं कि जो इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, और आउटगोइंग फ्लक्स जो है
उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका असर ये होता है कि अगर आपका चार्ज आउटसाइड दी सरफेस है तो जितना इन होता है फ्लक्स उतना ही फ्लक्स आउट होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इन होगा तो आउट नहीं होगा। इसमें इन होकर आउट हो जाएगा अगर चार्ज बाहर है तो, और अगर चार्ज अंदर है तो सिर्फ लाइंस बाहर जाएंगी, और अगर वही चार्ज मान लो जी अगल बगल भी रख देते, यहाँ भी रख देते तो क्या फर्क पड़ता है, लाइंस यहाँ से निकलती तो बाहर ही ना जाती है, ऐसे ऐसे बाहर ही तो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई लाइन ऐसे बाहर जाती है घूम करके फिर अंदर आती, क्योंकि लाइंस आपको पता है कि जहां से स्टार्ट होती है वहां खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ, इसको नोट करो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ए गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ए गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू all the charges inside as well as outside the surface। ठीक है, ये क्या मतलब है, कोई भी अगर आप गॉसियन सरफेस लिए, मान लीजिए कि यहाँ चार्ज एक है क्यू वन अंदर में, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे है क्यू टू, तो जब आप इसका फ्लक्स लिखेंगे इस गॉसियन सरफेस का, तो फ्लक्स जो होता है वो आपका सिर्फ Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट है, फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दोनों चार्जेस की वजह से होता है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। अब इसको समझो, आपने फ्लक्स किसका निकाला, इस क्लोज सर्फेस का। क्लोज सर्फेस का फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या कहते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक छोटा सा सर्फेस लिया, तो आप ई डॉट डी एस करते हैं, भाई फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, फ्लक्स बेसिकली E डॉट डी एस है। ये जो E डॉट डी एस है, इसमें E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और डी एस इसका एरिया वेक्टर है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्यू वन की वजह से थोड़े होगा, क्यू वन और क्यू टू मिला करके जो नेट आएगा वो होगा। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ दी चार्जेस, और इसी E डॉट डी एस को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें टोटल फ्लक्स मिलता है, और इसी मेहनत से बचाने के लिए गॉस ने लॉ दे दिया कि क्यों इतना मेहनत करके इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालोगे, चुपचाप Q1 by epsilon नॉट कर लो, उन्होंने अपना फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने का दो उपाय है, एक तो इंटीग्रेशन से E डॉट ds क्लोज्ड सरफेस का, और एक दूसरा उपाय है Q by epsilon नॉट से। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो आप फ्लक्स में E डॉट ds में E लिखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन दी गॉसियन सरफेस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं होता, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो अंदर और बाहर वाले सारे चार्जेस का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, फॉर ए गॉसियन सरफेस इफ क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो, this implies, ठीक है ना, flux will be zero। क्या इसको ऐसे लिखते हैं, for a Gaussian surface if electric field at every point on the surface is zero, then flux through the surface is also zero। For a Gaussian surface, if electric field at every point on the Gaussian surface is zero, then flux through the surface is also zero। अगर E ही zero है, मान लो आपने Gaussian surface लिया, उस surface पे कहीं पर भी electric field है ही नहीं, हर जगह E zero है,
जाहिर सी बात है फ्लक्स भी जीरो आएगा, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। बट इफ फाई इज इक्वल टू जीरो इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन दैट E इज ऑल्सो जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। बड़ा लंबा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर फ्लक्स जीरो आया किसी गॉसियन सरफेस का तो इट डज नॉट मीन दैट E इज ऑल्सो जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। फ्लक्स जीरो आने का मतलब ये नहीं है कि E जीरो होगा। E हो भी सकता है जीरो, नहीं भी। तो ये क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर में, ठीक है। अगर चार्ज इनक्लोज्ड बाहर में है तो इसका फ्लक्स जीरो होगा, भाई अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज इस इनक्लोज्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो। बट इस चार्ज की वजह से इसके क्या हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, KQ/r². तो भले ही फ्लक्स जीरो है बट इसका मतलब ये नहीं है कि E जीरो है। E इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें कहां E जीरो है, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो होने से सीधे ये नहीं मतलब निकाल लेना है कि फाई जीरो हुआ तो E भी जीरो हो जाएगा। हो सकता है कि फ्लक्स इसलिए जीरो है क्योंकि अंदर में चार्ज इनक्लोज नहीं है, या E डॉट ds भी जीरो हो सकता है। हो सकता है E भी है ds भी है लेकिन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, ठीक है। नोट करो इसको। अब हम लोग गॉस लॉ के ऊपर कुछ कुछ सिंपल सिंपल सवाल करेंगे, ठीक है। और वो सवाल क्या है, तो देखो ज्यादातर में हम लोग को क्यू इनक्लोज दे करके फ्लक्स पूछता है, ठीक है। तो वो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ऐसे ही कह देगा कि ये गॉसियन सरफेस है इमेजिनरी, यहाँ पे लिखा है 4 कूलम, यहाँ पे लिखा है -2 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 3 कूलम, यहाँ पे लिखा है -1 कूलम। तो बोलेगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है इससे टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए, ठीक है। कोई भी गॉसियन सरफेस हो तो क्यू इनक्लोज में देख लो क्या क्या है। एक तो -1 है, +4 है, +3 है, ये तो बाहर है तो ये लेना नहीं है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया 3 + 4 = 7, 7 - 1 = 6 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं रखेंगे, छोड़ देते हैं, यही इसका फ्लक्स है, ठीक है। अब इसी में अगर मैंने एक दूसरा गॉसियन सरफेस ले लिया, मान लीजिए गॉसियन सरफेस इस तरह का, ये एक अलग गॉसियन सरफेस है रेड वाला, तो इस रेड वाले गॉसियन सरफेस से बोला जाए कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो इसमें देखो इनक्लोज्ड चार्ज में ये 3 भी नहीं आएगा, सिर्फ 4 और -1 इनक्लोज्ड है, तो -1 + 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 3 by epsilon naught, okay? Note कर लो। हो गया सर। सर नहीं उतारे थे। अच्छा लो उतारो, कॉपी करो।
हो गया सर। ये एक स्फेयर है, ठीक है ना, हॉलो स्फेयर है, यही हमारा गॉसियन सरफेस हो गया एक तरीके से, ठीक है। और इसके सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, क्यू बाय इप्सा नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर है। बाहर में अगर कोई चार्ज टू क्यू रख भी दिया तो क्या इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो जवाब है नहीं, इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर इसी में कहा जाए कि फ्लक्स निकालो थ्रू अपर हाफ, अपर हाफ का मतलब, अपर हाफ का मतलब हेमिस्फेयर समझ लो, ऊपर के हेमिस्फेयर से अगर हम बीच से इसको काट दें तो उससे कितना फ्लक्स जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम इसको काट दें ऐसे, तो ये ऐसे कटेगा ना, तो दो हेमिस्फेयर जैसा बन जाएगा ना ऊपर नीचे, तो एक हेमिस्फेयर से ऊपर वाले से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाए, उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस आप बना के देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना पार कर रहा है, यही ना होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करें तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब सिमेट्री की वजह से जितनी लाइंस ऊपर से पास होंगी उतनी ही लाइंस नीचे से भी पास होंगे भाई, क्योंकि ये चार्ज मिडिल में रखा हुआ है कि नहीं। तो अगर हम टोटल मान लीजिए कि 6 लाइन दिखा रहे हैं, तो इसमें से 3 ऊपर दिखाएंगे तो 3 नीचे। अगर हम 8 लाइन दिखाना होता तो ऊपर से 4 और नीचे से 4 दिखाते। यही आपका टोटल फ्लक्स है क्यू बाई इप्सिलॉन। तो सवाल है कि ऊपर के हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सिर्फ ऊपर के पार्ट से, तो जितना फ्लक्स पूरा स्फेयर का है उसका आधा पास हो रहा है, आधा पास हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्यू बाई टू इप्सिलॉन, समझे। तो ये स्फेयर तो क्लोज्ड सरफेस है, बीच से काट दोगे तो हेमिस्फेयर जो बनेगा वो भले ही खुला सरफेस हो, और उसके यहाँ पर अगर चार्ज कोई रख दिया और आप चार्ज रख के पूछे कि भाई खाली इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्यू बाई इप्सा नॉट, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स तो पास हो ही रहा है, लाइंस पास हो रही है ना इसके, ये सब ठीक है, लाइंस पास हो रही है, तो इन्हीं पासिंग लाइंस को तो काउंट करना है। ये लाइंस यहाँ से देखो सरफेस को ऐसे चीरते हुए जा रही है कि नहीं, आउटगोइंग फ्लक्स है, क्यू बाई टू इप्सा नॉट अपर हाफ से हुआ, लोअर हाफ से भी उतना ही होगा, क्यू बाई टू इप्सा नॉट, ठीक है, नोट करो। सर लेकिन हाफ में डिवाइड हो गया तो गॉसियन सरफेस नहीं हुआ ना सर। बिल्कुल नहीं रहा, गॉसियन सरफेस आधा वाला नहीं रहा, इसीलिए तो आधा वाले पे गॉस लॉ नहीं लगा रहे, आधा पूरे वाले पे पहले गॉस लगाए। ऐसे हुआ कि स्फेयर से 6 लाइंस पास हो रही हैं, 6 लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो हेमिस्फेयर से कितनी लाइन पास होंगी, तो हेमिस्फीयर से 3 लाइंस पास होंगे, तो 6 लाइंस को हम क्यू बाई इप्सा नॉट लिख रहे हैं, तो 3 लाइंस को क्या लिखेंगे, क्यू बाई टू इप्सा नॉट, क्योंकि 6 ही लाइन क्यों बोले सर, अरे नहीं माने 6 की जगह 16 लाइन कर दो, अगर यहां से 16 लाइंस पास हो रही हैं तो नीचे वाले से 8 लाइंस हो जाएगा। ये मीनिंग है कि ये एग्जैक्टली क्या है कि कोई नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर नहीं सकता है, आप इस चार से जितना मन करे उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कुछ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकली रखा है तो जितनी रेखाएं जितनी लाइंस ऊपर से पास होंगी उतनी ही लाइंस नीचे से पास होगी। इसको ऐसे समझो कि अगर ये बंद स्फेयर के अंदर सेंटर पे एक बल्ब जला दिया जाए, तो बल्ब की जो रोशनी है, ठीक है, वो ऊपर वाले हेमिस्फेयर और नीचे वाले हेमिस्फेयर से बराबर बराबर ना पास होगी, ऐसा थोड़ा होगा कि ऊपर वाले हेमिस्फेयर से ज्यादा पास होगा लाइट और नीचे वाले से कम, ठीक है। तो क्योंकि बल्ब का रोशनी या सूरज का रोशनी कैसे फैलता है, 3D में फैलता है, उसी तरह से ये जो लाइंस है वो 3D फैलती है, तो ऊपर के हेमिस्फेयर से भी उतनी पास होंगी जितना नीचे से होंगी। तो अगर टोटल स्फेयर का फ्लक्स क्यू बाई इप्सा नॉट है, हमने इसलिए तो इसमें यहाँ गॉस लॉ लगाया है, ठीक है ना, यहाँ गॉस लॉ लगाया है और यहाँ हमने कॉमन सेंस लगाया है, तो फिर यहाँ गॉस लॉ नहीं लगाया, नहीं, यहाँ तो कॉमन सेंस लगाया है,
कि जब टोटल स्फेयर से क्यू बाई इप्सा नॉट, तो आधा स्फेयर से क्यू बाई टू इप्सा नॉट। आधा स्फेयर का भी आधा कर दोगे ना, क्वार्टर स्फेयर, तो इसका भी आधा हो जाएगा क्यू बाई फोर इप्सा नॉट, उतनी लाइन्स पास होंगे। समझे, ये लॉजिक है उसका, ये लॉजिक से हुआ है, कॉमन सेंस है। गॉस लॉ तो सिर्फ हमने स्फेयर पे यूज किया। और बोलो। नो सर, क्लियर हो गया। A charge Q is placed at the center of a cube. A cube होता है ना, hollow cube लिया हमने, उसके center पे एक charge रख दिया। Find flux through the cube. पूरे cube से कितना flux pass हो रहा है? And flux through one face of the cube. किसी एक face से कितना pass हो रहा है? तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक cube बना लेते हैं। जैसे cube बनाने का best तरीका यही होता है, वैसे ही बनाते हैं cube। ठीक है? अब इसमें हम डंडा जोड़ देते हैं। ये हो गया क्यूब का डंडा। एक क्यूब में अगर ध्यान से देखो तो टोटल कितने फेस हैं? काउंट कर सकते हो? सिक्स फेस है। अब ये हॉलो क्यूब है और इसके बीच में हमारा कहीं चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चार से जितनी भी लाइंस निकलेंगी सब इस क्यूब से पास होंगी। ये क्यूब एक क्लोज्ड बॉडी है, तो इस क्यूब का अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम उसके लिए गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि क्लोज्ड है और गॉस लॉ के हिसाब से इस फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन। सिंपल, क्योंकि चारों तरफ से घेर रखा है इस क्यूब ने, तो जो भी लाइंस निकलेंगी किसी ना किसी फेस से ही पास होंगी। अब अगर कहा जाए कि किसी एक फेस से निकालो, ठीक है ना, किसी एक फेस से, तो अब इसके लिए आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते, तो अब आप इसमें कॉमन सेंस यूज कीजिए। सिक्स से डिवाइड कर देंगे, सिक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्यूब में कितने फेस हैं? छह फेस हैं, सिक्स फेसेस। ठीक है, एंड कॉमन सेंस से आपको पता है कि बीच में अगर चार्ज रखा है तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस विल बी सेम। ईच फेस इज सेम, फ्लक्स थ्रू ईच फेस सेम ही होगा, क्योंकि बीच में रखा है, तो जितना लाइन ऊपर से पास होगा उतना नीचे से, उतना दाएं से, उतना बाएं से, उतना आगे वाले फेस से, उतना पीछे वाले से। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू किसी एक फेस से निकालना है तो जितना क्यूब का आया उसको सिक्स से डिवाइड कर दो, क्यूब बाई सिक्स इप्सा। तो दिस इज कॉमन सेंस, नीचे वाला जो हम लोग एक फेस का निकाल रहे हैं। गॉस लॉ तो सिर्फ हम बंद वाले बॉडी पे लगा सकते हैं, तो वो तो क्यूब के लिए लगा सकते हैं, एक फेस के लिए गॉस लॉ नहीं लगा सकते। नोट करो, हो गया? हो गया सर। यस सर। सर रुक जाइए सर, दो मिनट बस लिख रहे सर। लिखो लिखो। हो गया सर, हो गया।
हो गया सर। अच्छा चलो अगला सवाल भी हम लोग इसी तरह का करेंगे, क्यूब से रिलेटेड। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, इस बार सेंटर पे नहीं लिख दिया, एट द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, तो सवाल ये है कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब। सेंटर ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब का मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्यूब क्यूब मैंने ऐसे बना दिया, तो सेंटर ऑफ ए फेस का मतलब हुआ कि अब ये बीच में नहीं है, किसी एक फेस के सेंटर पे है। तो ये मैंने क्यूब बना लिया, छह फेस में से कोई भी फेस ले लो। जैसे मान लो कि हमने इसका छत ले लिया, ये छत है ना, छत पे हमने चार्ज रखा है, छत के बीच में यहाँ पे रखा है चार्ज, ये छत के बीच में रखा हुआ है चार्ज ऐसे। अब वहां चार्ज अगर आपने रख दिया तो कहा जा रहा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो ये तो हम लोग फंस गए अब, क्योंकि ये तो चार्ज जो है वो छत पे है, तो इससे जितनी भी लाइंस निकलेंगी सब क्यूब से नहीं पास होंगी, क्योंकि जो लाइंस नीचे जाएंगी वो तो क्यूब के अंदर से पास होंगी। ऐसे पास होंगी कि नहीं ये सब? ठीक है, ये सब लाइंस अंदर से नीचे से पास हो रही हैं, लेकिन कुछ लाइंस ऐसे भी होंगी जो क्या हो जाएंगी, वो ऊपर से निकल रही है, तो ये सब तो क्यूब से पास नहीं होगा ना, तो क्या करें भाई? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख देंगे। इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस क्यूब के ऊपर अगर हम एक और क्यूब रख दे तो दो क्यूब के बीच में ये सैंडविच बन जाएगा कि नहीं। इस वजह से समझो कि सामने से अगर देखा जाएगा तो ये सैंडविच जैसा हो जाएगा, सामने से भी नीचे एक क्यूब है, ऊपर एक क्यूब है, ठीक है, बीच में यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं, ये दो क्यूब है और वो जो चार्ज है ना ये नीचे वाले क्यूब के छत पे था, तो ये तो सैंडविच हो गया। ठीक है, अब ये चारों तरफ से चार्ज घिर जाएगा कि नहीं, दोनों क्यूब के बीच में आ जाएगा। अब इसकी जितनी भी लाइंस होंगी इन्हीं दोनों क्यूब से मिल जाएंगी, तो दो क्यूब के बीच में फंसने से क्या हुआ कि दो क्यूब से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाई इप्सा नॉट, ऊपर का क्यूब प्लस नीचे का क्यूब मिला करके, क्योंकि सारी लाइंस को इन्होंने घेर लिया, जो भी लाइंस निकलेंगी या तो ऊपर के क्यूब से पास होंगे या नीचे से, तो दो क्यूब से इतना पास हो रहा है, तो एक क्यूब से कितना पास हो रहा है, जाहिर सी बात है इसका आधा होगा, कितना हो जाएगा क्यूब बाय टू इप्सा नॉट, समझे? तो ये लॉजिक ये है कि छत पे था तो इसके जो इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही थी या फ्लक्स, वो सब नीचे वाले क्यूब को नहीं मिल रही थी, कुछ ऊपर में फालतू की बह जा रही थी, तो उसको घेरने के लिए आपने इमेजिन किया कि ऊपर से भी अगर एक क्यूब ऐसा ही आइडेंटिकल लगा दे तो दो क्यूब के बीच में ये सैंडविच हो जाएगा और उसके बाद इसकी लाइंस बच नहीं पाएंगी, या तो वो ऊपर के क्यूब से जाएंगी लाइंस या तो नीचे के क्यूब से, तो दोनों क्यूब मिल करके सारा लाइन इसका जो है दोनों क्यूब से क्रॉस कर रही है, तो दोनों क्यूब का मिला के फ्लक्स क्यूब बाई इप्सा नॉट है, तो एक क्यूब का उसका आधा हो गया। नोट करो, अब एक नोट देखो, फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस या फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, जैसे ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल लाइंस दिखाते हैं यूनिफॉर्म में, तो ये पैरेलल लाइंस हमने दिखा दिया इक्वली, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसमें कोई भी अगर गॉसियन सरफेस लेंगे, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, या आर्बिट्रेरी किसी भी शेप का हो, जैसे ये हमने ले लिया गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये जैसे गॉसियन सरफेस हमने लिया, तो इसका फ्लक्स जीरो क्यों बोल रहे हैं इस गॉसियन सरफेस का? इसलिए जीरो बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, जितनी लाइन्स यहाँ इंटर कर रही है, तीन लाइन्स इंटर की है, वही तीन लाइन बाद में यहाँ से निकल भी गई है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अक्सर यही होगा कि जितनी लाइन्स इंटर करेंगे उतनी ही लाइन्स बाहर भी निकल जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन्स इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स आउट, ठीक है। हेंस नेट फ्लक्स जो है दैट विल बी जीरो। केवल इन होती तो भी काउंट होता, केवल आउट होती तो भी काउंट होता। इन भी हो गई, आउट भी हो गई, तो फिर वो नहीं काउंट होगा। दिस इज समथिंग लाइक कि मान लो कि एक कमरे में दो दरवाजे हैं और एक दरवाजे से 10 लोग घुसा और दूसरे दरवाजे से 10 लोग निकल गए, तो अंदर में कितने लोग बढ़े? कुछ नहीं हुआ। अगर एक दरवाजे से 10 लोग आते और दूसरे दरवाजे से 6 लोग जाते, तब ना कहते कि हाँ अंदर 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, बढ़ गए। तो ये कहानी है। तो जितनी लाइंस इन हो रही है उतनी ही लाइंस आउट हो रही है, और फ्लक्स जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस एक क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स जीरो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो चाहे किसी भी शेप का हो, जरूरी नहीं हो कि स्फीयर ही हो, आर्बिट्रेरी किसी भी शेप का ले लो, ठीक है ना। ऐसा भी शेप का रहता तो भी जीरो होता, क्योंकि जितनी लाइन इन हो रही है उतनी ही लाइन आउट भी हो रही है। दूसरा लिंक भेजते हैं, इसको नोट कर लो।